नमस्कार दोस्तों, ये आप देख रहे हैं चल पड़े हैं आज फिर सुबह सुबह। कहाँ पहुँच रहे हैं आपके लिए सरप्राइज़ है। और अब दोस्तों यही है कि मम्मी को भी जाना था काम से, तो मम्मी जी भी मेरे साथ ही चल रही हैं। और आजकल ये सब बाइकों की और सबकी चाबी ऐसी आने लगी है, कंपनी ने बेचने के लिए नए नए सिस्टम चला दिए हैं। दोस्तों संडे में हम कोशिश करके, जैसे श्री माता जी का, निर्मला देवी जी का यहाँ सेंटर होता है, हम काफ़ी टाइम पहले, हमारा सौभाग्य ऐसा रहा कि हम सहयोग में आ गए। गाड़ी पे भी आपने देखा होगा, कार के शीशे पे लगा रहता है श्री माता जी का फोटो। सो ये हाँ, ढाबे के सामने रोड पार करके ये कैंट एरिया है सामने आर्मी का, इसके सामने यहाँ इतवार में संडे के दिन सेंटर होता है श्री माता जी का, तो हम यहाँ आते हैं। घर से कोई ना कोई संडे के दिन जरूर जरूर आता है। और अभी यहाँ सेंटर शुरू होने वाला है श्री माता जी का, अभी थोड़ा सा हम भी काम करवा लेते हैं। जय श्री माता जी। अब दोस्तों वहाँ से आ गए हैं, अंकल जी आ गए हैं, अपनी गाड़ी हटाएंगे यहाँ से, और हमारी गाड़ी यहाँ आग का गोला बन गई है, तो मैंने इसकी खिड़की वगैरह सब खोल रखी हैं। तो अब थोड़ी देर में चलेंगे, अब मम्मी भी आ रही हैं। तो दोस्तों ये एरिया भी पूरा डेवलप हो गया है यहाँ, बस ये डाब के वालों की ज़मीन बच रही है थोड़ी थोड़ी। यहाँ बहुत महंगी ज़मीन है, छोटे मोटे आदमी को तो लेनी बस की नहीं। तो यही है दोस्तों, अब चलते हैं, आपके लिए सरप्राइज़ विजिट है। कहाँ चल रहे हैं हम? सिस्सा भी नहीं उतर रहा, जाम हो रहा, टूटेगा मिंगमो। अब दोस्तों पीछे से गाड़ी हट रही है, अब मैं इसे स्टार्ट करूंगा, एसी बंद करूंगा। दोस्तों गाड़ी में मुझे बस यही दिक्कत रहती है कि दो बार दूसरे पे चलेगा एसी जब जाकर ताल बैठेगी, और आग बढ़ गई। ओहो, शरीर में आग बढ़ गई दोस्तों। ये फाइबर की, शीशे की या प्लास्टिक की बनी हुई है, टीन की, लोहे की, तो धूप में इतना भयंकर इसमें भपका। ओह माय गॉड, ऊपर भी हाथ नहीं लगाया जा रहा, यहाँ भी स्टीयरिंग पे हाथ नहीं लगाए जा रहे। ये सेक्की में लोग ले तो लें, नहीं तो साइकिल जैसा और मोटरसाइकिल जैसा मजा नहीं। तो दोस्तों बेल्ट लगा लेते हैं पटाख से, और मम्मी को बैठा लेते हैं पीछे से। दोस्तों अब मैं और मयंक भाई आज इनके यहाँ जर्नी में घूम रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर का सामान लिया है, आपके लिए सरप्राइज है। ये देखें, बहुत से भाई तो पहचान भी गए होंगे, जर्नी के ही पाइप लग रहे हैं ये सड़क के बीच में यहाँ, और यहाँ से सामान लिया है। दोस्तों अब हम जो है मौसी के यहाँ से चल रहे हैं। मौसी उस दिन वृंदावन से घूम के आई है, मौसी की थकान भी उतरी, वृंदावन में काफी मेहनत हुई। अच्छा जी, राम राम जी। चल रहे हैं दोस्तों, और जो बड़े भाई और जो छोटी बहू रानी है, वे जो है अपना ड्यूटी पर चल गए हैं दोनों, क्योंकि उनकी पोस्टिंग किस चीज़ में हुई जी, उनकी मुकुल की वाइफ की? अच्छा, सीबीआई में इंस्पेक्टर, तो वे सीबीआई में इंस्पेक्टर हो गई हैं। और मुकुल भाई की आपको पता ही है, उनकी जो वे मैनेजर हैं, वो जो ये मेडिसिन का कि जो मशीनें होती हैं उनके इंजीनियर हैं, तो बड़े मैनेजर हो रहे हैं। तो वे तो बाहर, दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर चले गए हैं। अभी भाई मौसी मौसी के पास, मौसी मौसा के यहाँ इनकी दो गाय हैं, बहुत शानदार। चलते हैं दोस्तों फटाफट, ये इनका कालू खड़ा है सामने, और ये सब खेत वेत सब ऐसे ही हैं, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मौसी के वहाँ से आ गए हैं, और यहाँ देखें मोदीपुरम में रुके हैं 5 मिनट के लिए, और ये मशीन हमारे यहाँ भी आ गई है। अब ये पीछे से पटरी बिछाते हुए अब यहाँ से चलेगी, बिछाते हुए ये यहाँ छोटा सा एक स्टेशन और बनेगा, फिर लास्ट हमारे वहीं पे होगा। अभी देखते हैं, जगह जगह मशीनें लग गई हैं। दोस्तों अब थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके हैं फ्लाईओवर के नीचे, फिर आगे पेट्रोल पंप पे चलेंगे, रॉन्ग साइड लेके पेट्रोल पंप पे तेल डलवाएंगे, थोड़ा सा डीजल गाड़ी में कम रह गया है, बच्चों के लिए फल वल ले लेते हैं यहाँ से।
दोस्तों तेल डल गया है गाड़ी में, डीजल डलवा लिया है 800 रुपए का। अब देखते हैं कितना आया इसमें। तीन सौ 87 करीब, दो सवा सवा 200 किलोमीटर का आ गया है। और दोस्तों जैसे यहाँ पहुंचे हैं तुरंत ही फाटक बंद हो गए हैं। अभी ट्रेन निकली थी और इतने ये सामने वाली दो गाड़ी नहीं चल पाई, जो ये गाड़ी बैक हो रही है क्रेटा, तो अगर ये गाड़ी चल पड़ती तो हम भी निकल जाते। अभी इन्होंने दो गाड़ियाँ यहाँ से वापस घुमाई, अभी सिवाय को होते हुए जाएंगे। तो दोस्तों देखो इन्होंने गड़बड़ी इतनी कर दी कि फाटक अगर ये सिगरेट ना लगाते हैं तो इतने चल पड़ती लाइन और हम भी निकल जाते, फाटक बंद हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट खड़े रहेंगे आराम से। सही बात है दोस्तों, घर पहुंच गए हैं ठीक ठाक राज्य घोषी। बस पौन घंटा हमारा वहां बर्बाद हो गया, आपने देखा फाटकों पे। तो इतने बबलू भाई ने जो है गाय का दूध निकलवा लिया है, गाय हमारी बहुत अच्छी है, किसी को भी दे देते हैं दूध। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर करना। चल तू डिग्गी में से अपने ट्रैक्टर के सामान काल ले, कोई बात नहीं, वो नाराज नू होगी होगी, उसके धोरे गया नहीं होगा कोई दोपहरी में। चल काल ले सामान। तो दोस्तों दिखाता हूँ मैं क्या क्या सामान लाया हूँ। एक दो सामान लाया हूँ ये देखें दोस्तों, यही मिले। एक तो ये पिन मिली है, छोटा ताला मिला है, हेड वाला पट्टी ना उठा रुक जा तेरे पे, चोट लगवा ली भाई। और ताले इतने जाली मिले कटे, वे पिन दी नहीं वे मारा मका, मेरे यार इतना सामान लिया था रे से, पिन तो दे दो वे चुट्टी लगाने की। मतलब 1000 रुपए का सामान दे दे। अरे 1000 का कहां, ज्यादा का 1700-1800 रुपए का सामान है। और अरे हम तो मुजफ्फरनगर से लेंगे, मुजफ्फरनगर वाले ज्यादा बढ़िया मिस्त्री, ये तो बेकार है सारी सारी दुनिया। आगी आगी क्या देखू भाली ना पिन दिए मैं, और आगी भाई सही करा। चल कोई ना, लंबी है इसे जरा से काट देंगे, और पिन लगनी रही थी कोई भी, और फिर मुझे यही मिली, मैंने अंदाजा करके गया था मैं यहाँ से नाप के उंगली में। तो यो ये दो थे, एक नीला था एक लाल था एक सफेद था, तो मैं यो लाया लाल वाला, इसे यहाँ लगा देंगे साइड में, और हेडवार पट्टी इसमें लग जाएगी। इसमें कई तरह के सामान लगा, भाग गया भाग गया भाग गया पकड़ो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी आपका, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए। और बैक लाइट वही लगा देंगे वो जो हमारे रखी। ठीक है।